नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने धनगर समाज की जानकारी एवं उसके इतिहास के ऊपर चर्चा करी थी, तो आज हम बात करने वाले हैं होलकर राजवंश के संस्थापक एवं मराठा साम्राज्य के सबसे अनुभवी एवं कुशल सूबेदार मल्हारराव होलकर जी के जीवन के विषय के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मल्हारराव होलकर जी का जन्म 16 मार्च 1693 को पुणे जेजुरी के होल नामक गांव में हुआ था और इसी होल नामक गांव के नाम के ऊपर इनका सरनेम होलकर पड़ा था, क्योंकि महाराष्ट्र में अपने जन्म स्थान के नाम पर ही अपना सरनेम रखने की एक लंबी परंपरा चली आ रही है। इनके पिता खंडोजी वीरकर जी की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, जब मल्हारराव होलकर जी की आयु मात्र 3 वर्ष की थी। इसके बाद यह अपने मामा भोजराज राव बारगल जी के यहाँ रहने चले जाते हैं और यहीं पे इन्हें थोड़े बहुत सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जिसके बाद यह एक मराठा सरदार कदम बांडे जी के सैन्य दल में शामिल हो जाते हैं और यहीं पर इनका विवाह गोतमाबाई जी के साथ होता है। अब दोस्तों, इस समय मराठे छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित स्वराज्य को पूरे भारत देश में फैला रहे थे तथा मुगलों की सैकड़ों वर्ष की गुलामी की जंजीरों से भारत माता को मुक्त भी करवा रहे थे। तो दोस्तों, इस समय सबसे पहले मल्हारराव होलकर जी पेशवा बालाजी विश्वनाथ जी के सैन्य दस्ते में शामिल होते हैं तथा कई सारे सैन्य अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। पेशवा बालाजी विश्वनाथ जी के बाद पेशवा बनते हैं बाजीराव जी, और बाजीराव जी जो कि अपने सैन्य करियर में एक भी युद्ध नहीं हारे थे, उनकी एक और बहुत बड़ी खूबी थी कि उन्हें आदमी की पहचान थी, व्यक्ति की परख बहुत अच्छे से थी और उन्होंने मल्हारराव जी की खूबियों को पहचान लिया था और इसी खूबियों को जानकर उन्होंने मल्हारराव जी को अपनी सेना में लगातार प्रमोशन दिया, उनके रैंक को ऊपर ऊपर बढ़ाते गए। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने आता है, जब पेशवा बाजीराव मल्हारराव होलकर जी को भोपाल के अभियान पे, जो कि सन 1723 या 1724 के बीच में हुआ था, उस पर भेजते हैं और यहाँ पर मल्हारराव होलकर जी अपनी कूटनीतिक क्षमता के बल पर ही इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। खुश होकर बाजीराव पेशवा जी, जो कि उस समय मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे, उन्हें 500 सैनिक तथा उनके रखरखाव के लिए पैसे भी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से मल्हारराव होलकर राव एक खुद मुख्तार सरदार बन चुके थे। तो दोस्तों, इसके बाद एक और अभियान बहुत महत्वपूर्ण था, जो कि था 1728 का पालखेड़ का अभियान। इसमें मल्हारराव होलकर जी ने मुगलों के कम्युनिकेशन तथा उनकी सप्लाई चेन को ही काट दिया था, जिससे मराठे इस युद्ध को जीत पाए थे। इससे खुश होकर बाजीराव जी ने उन्हें मालवा सूबे का सूबेदार बनाकर भेजा था। और दोस्तों, सूबेदार का मतलब आज आप मुख्यमंत्री से लगा सकते हैं। सूबा का अर्थ होता है प्रदेश और सूबेदार यानी उस प्रदेश का सबसे प्रमुख व्यक्ति। मालवा का सूबेदार बनने के बाद मल्हारराव होलकर जी इंदौर में अपना गढ़ स्थापित करते हैं। इस जगह को आज भी मल्हारगंज के नाम से जाना जाता है और इस जगह के पास में ही आने वाले समय में होलकर शासक राजवाड़े का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद तो मल्हारराव होलकर जी एक के बाद एक उत्तर भारत में कई सारे विजय अभियानों को अंजाम देते हैं, जिसमें प्रमुख है 1737 में हुआ दिल्ली का युद्ध, उसके बाद भोपाल के निजाम को हराना, 1739 में वर्साई को पुर्तगालियों के प्रभाव से मुक्त करवाना। अब दोस्तों, एक और प्रमुख सैन्य अभियान है जिसमें मल्हारराव होलकर जी के नेतृत्व में मराठा सेना ने रोहिला पठानों को बहुत बुरी तरह शिकस्त दी थी और इन्हीं में एक रोहिला सरदार जिसका नाम नजीम खान था, वह बड़ा ही चालाक एवं धूर्त किस्म का था, पर वह मल्हारराव होलकर जी को अपने पिता के समान मानता था। अब दोस्तों, 24 मार्च 1754 को इसी बीच एक बहुत ही दुखद घटनाक्रम होता है, जिसमें मल्हारराव जी के इकलौते पुत्र खंडेराव जी का निधन हो जाता है। अब हुआ क्या था कि खंडेराव जी, जो कि मल्हारराव जी के पुत्र थे, कुम्हेर नाम की एक जगह है जो कि भरतपुर में आती है, जिसके राजा सूरजमल जी थे, उससे चोत वसूली करने के लिए वो जाते हैं तथा उस किले की घेराबंदी करके खड़े हो जाते हैं। तभी इसी बीच उन्हें बंदूक या कुछ लोग कहते हैं तोप का गोला आके उन्हें लगता है, जिससे खंडेराव जी की मृत्यु हो जाती है। और जब इस मृत्यु का समाचार मल्हारराव होलकर जी को लगता है तो वो गुस्से से एकदम तमतमा जाते हैं तथा सूरजमल जाट के सर काटने की शपथ लेते हैं और उनके राज्य को भी धूल में मिला देने की शपथ करते हैं। परंतु दोस्तों, वो होता क्या है, इस मामले में कूटनीति
चलाई जाती है, वो भी किस तरह। सूरजमल जाट को पता होता है कि सिंधिया और होलकरों की थोड़ी अनबन है, तो वो क्या करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। और इसी के कारण जो मल्हाररा होलकर जी को कुम्हेर पर अपना युद्ध करने का प्लान कुछ समय के लिए टालना पड़ता है। परंतु दोस्तों बाद में सूरजमल जाट और मल्हाररा होलकर जी काफी अच्छे मित्र बन जाते हैं, दोनों में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। अब दोस्तों इसके बाद हुए एक और युद्ध में मल्हाररा होलकर जी सफदरजंग को हरा देते हैं, वही सफदरजंग जिसके नाम पर दिल्ली में आज सफदरजंग इनक्लेव बना हुआ है। यह अवध का नवाब था तथा मुगलों का एक दरबारी था। अब दोस्तों क्या आपको पता है कि दिल्ली में इन वीर मराठाओं के नाम पर भी कोई इनक्लेव या कोई स्मारक या कोई सड़क है? मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों 1758 का समय आते आते मराठा साम्राज्य अपने चरम पर जा पहुंचा था। मराठों की संयुक्त सेना जिसमें रघुनाथ राव जी, सिंधिया जी तथा होलकर जी की सेनाएं सम्मिलित थी, इन्होंने सबसे पहले लाहौर, फिर पेशावर, फिर उसके बाद अटक पे कब्जा कर लिया था तथा भगवा झंडा अपना वहां पे जाके लहरा कर आए थे। दोस्तों इसी समय कहावत बनी थी कि मराठों का राज अटक से कटक तक है। अटक यानी कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा और कटक यानी कि भारत का दक्षिणी छोर। तो दोस्तों यह था विशाल मराठा साम्राज्य जिसको बनाने में मल्हाररा होलकर जी का अतुलनीय योगदान था। फिर दोस्तों इसके 3 साल बाद जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है जिसमें मराठे बुरी तरह से हार जाते हैं। और कुछ अज्ञानी लोग इसका कारण बताते हैं कि मल्हाररा होलकर जी मराठा सेना को छोड़कर चले गए थे। परंतु दोस्तों इसका सही कारण यह है कि मराठा सदाशिव राव भाव के नेतृत्व में इस युद्ध को लड़ रहे थे और उन्होंने ही मल्हाररा होलकर जी से कहा था कि जब मराठे इस युद्ध को हारने लगे तो आप महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षित निकाल के ले जाना। तो मल्हाररा होलकर जी यही काम करते हैं। वह नजीब खान जो कि उनको अपना पिता मानता था उसकी सेना के पास से ही महिलाओं तथा बच्चों को सुरक्षित निकाल के ले जाते हैं तथा उनको भरतपुर में राजा सूरजमल जाट जिससे उन्होंने अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे वहां पर इनकी देखभाल तथा अच्छे से करवाते हैं। अब दोस्तों हमने मल्हाररा होलकर जी का जीवन एक सैनिक, एक सूबेदार और एक मिलिट्री जनरल के रूप में तो देख लिया, परंतु उनके एक पिता एक ससुर के रूप में भी उनका जो योगदान था वह अतुलनीय था। दोस्तों जब इनके पुत्र खंडेराव की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इनकी पुत्रवधू यानी कि पुण्यश्लोक मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जी सती होना चाहती थी, परंतु वह उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि बेटा तेरे में इतनी योग्यता है, तू अपना जीवन क्यों नष्ट करना चाहती है, तुझे ही आगे चलकर इस होलकर राजवंश की रानी बनना है तथा तुझे यहाँ पर सुशासन तथा स्वराज्य को संभाल के रखना है। और इसी के परिणाम स्वरूप मातोश्री अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर पर राज किया और जिसके शासनकाल को इंदौर का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब दोस्तों बाद में तो हम सभी लोग जानते हैं कि होलकर और सिंधियाओं के मध्य एक दुश्मनी सी बन गई थी और दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए थे, परंतु जब तक मल्हाररा होलकर जी जीवित थे उन्होंने इसको हमेशा बचाया तथा महादजी सिंधिया के तो उठाव में उनका बड़ा बहुत बड़ा योगदान था, वह महादजी सिंधिया को तो अपने बेटे की तरह मानते थे। दोस्तों इस संसार में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। इसी तरह मल्हाररा होलकर जी का निधन 20 मई 1766 में 73 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश के भिंड शहर में हुआ था और इस स्थान पर इस छत्री का निर्माण उनकी पुत्रवधू मातोश्री अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। तो दोस्तों यह थी कहानी एक मामूली सैनिक से मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली जनरल तक की मल्हाररा होलकर की यात्रा का वृत्तांत। और दोस्तों इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि मराठा साम्राज्य में उस समय हर जाति हर समुदाय के लोगों का स्वागत था, जिसमें भी योग्यता थी वह मराठा साम्राज्य में शामिल होकर अपनी योग्यता के अनुसार ऊंचे पदों पर जा सकता था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, बने रहिएगा हमारे चैनल मालवा डायरी के साथ। धन्यवाद।